वेलकम इन सेकेंड वीडियो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो इनेट इम्यूनिटी है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो देखें कि इनेट इम्यूनिटी जो हमारे पास है वो दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है फिज़िकल और एक होती है केमिकल। मतलब फिज़िकल बैरियर्स हमारी बॉडी में हमको प्रोवाइडेड है और केमिकल बैरियर्स भी प्रोवाइडेड है। तो फिज़िकल बैरियर में सबसे पहले हम स्किन को देखेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनके बारे में, ठीक है। और फिर जो हमारे केमिकल बैरियर्स हैं, देखें उनका हम सिर्फ अभी नाम बता दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आपको नहीं पता होगा, साइटोकाइन्स ज़्यादा नहीं पता होगा, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल इनके बारे में भी नहीं पता होगा, इनके बारे में भी नहीं पता होगा, एंजाइम्स के बारे में पता होगा। तो एक्यूट फेस प्रोटीन, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल एंड एंजाइम्स, ठीक है। तो देखें कि जो हमारा स्वेट है उसका पीएच, ठीक है, हमारे में जो सबेशियस सिक्रेशंस हैं वो, और जो वेरियस फैटी एसिड जो हमारे स्किन पे ही जो पाए जाएंगे वो, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये सब हमारे फिजिकल बैरियर में आते हैं, ठीक है। तो जो स्किन होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर होता है। अगर ये कहीं से डैमेज हो जाए, अगर आपको चोट लग जाए, तो बहुत ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं कि वहाँ से जो है जर्म आपकी बॉडी में इंटर कर लेगा। इसीलिए जब भी चोट लगती है तो हम उसको कवर अप करके रखते हैं, ठीक, और बार बार ड्रेसिंग कर रहे होते हैं कि वो जो कवर है वो भी तो गंदा हो सकता है, तो उसकी ड्रेसिंग होती है। तो ये जो भी जैसे कि स्वेट है, सॉरी थोड़ी बहुत जो डिस्टर्बेंस हो रही है घर में है, देखें तो स्किन पे ना जो हमारा पीएच होता है, जो हमारे सबीशियस ग्लैंड, सॉरी स्किन पे जो हमारा स्वेट होता है उसका जो पीएच होता है, जो सबीशियस सिक्रिएशंस होते हैं, जो हमारे स्किन पे फैटी एसिड्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एज अ फिज़िकल बैरियर एक्ट कर रहे होते हैं। और स्किन हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है बैरियर है। म्यूकस मेम्ब्रेन में अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है या जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, स्पेलिंग मैंने क्या लिख कर रखी हुई है, चलिए वैसे भी मैंने बोला है कि आपको इससे नहीं लिखना। रेस्पिरेटरी जो आपको पता है जो ट्रैक्ट होता है उसमें सीलियास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, म्यूकस भी होता है। तो जब अगर कोई पैथोजन अगर उस रास्ते जो है आपकी बॉडी के अंदर इंटर करना चाह रहा है, तो वो म्यूकस बना के कोशिश करेगा कि वो म्यूकस को बाहर की तरफ जो है प्रोपेल करे और वो जो है पैथोजन आपकी उससे निकल जाए, ठीक है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी म्यूकस जो है प्रेजेंट होता है, तो आपके जो फॉरेन मटेरियल है उसको जो है ट्रैप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है उसमें क्या होता है कि जो एपिथीलियल लेयर होती है वो ना वो सीलिया में फॉर्म हो गई होती है, तो वो सीलिया जो होते हैं ना वो जो है क्या करते हैं, वो आपके जो पैथोजन है उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं। देखें तो दूसरा हमारा क्या है, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है, कंजक्टिवा एक ऐसी एपिथीलियल लेयर होती है जो कि कैपेबल होती है म्यूकस को सिक्रिएट करने में। और ये एपिथीलियल कहाँ पाई जाती है, ये एपिथीलियल हमारी आईज़ में पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो है ये भी क्या करेगी, ये भी करेगी यही कि जब अगर आईज़ के थ्रू आपका कोई पैथोजन आने का कोशिश करेगा तो वो वहाँ पर कंजक्टिवा के थ्रू जो है ट्रैप्ड हो जाएगा। अच्छा, तो आईज़ में हमारे टियर ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है। तो टीयर्स में क्या होते हैं, हमारे लाइजोजाइम्स होते हैं, लैक्टोफेरिन होता है, AGA होता है, और ये एंजाइम्स जो है इसमें पाए जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं कि हमको जो है फिज़िकल और केमिकल जो है प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो है हमेशा ये लोग जो है अपने काम में जो है सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो अगर ये सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते, अगर ये जो है जो सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो हमारी बॉडी जो है अडाप्टिव इम्यून सिस्टम को क्या करती है, एक्टिवेट करती है, और फिर उसका एक नया सिस्टम चलता है। अच्छा, अब हम इसके बाद जो है एक नया फिर से एक दूसरा वीडियो बनाएंगे कि जिसमें कि जो है हम केमिकल बैरियर्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे घर में बहुत शोर चल रहा है और हम ये नहीं चाहते कि ये वाला वीडियो ख़राब हो, ठीक है। तो उसमें हम जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, साइटोकाइंस और पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, एक्यूट प्रोटीन और एंजाइम्स, इन सब के बारे में जो है आपको एक दूसरे वीडियो में बता देंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि शोर ज़्यादा है, तो ठीक है, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, ओके।